दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने ऐसा सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के डॉक्टर से व्यक्तिगत सवाल पूछने पर किया। दरअसल सुपरटेक के चेयरमैन ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। ऐसे में कोर्ट ने ईडी की लताड़ लगाते हुए कहा कि आपको हाई लेवल के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड दिखाने चाहिए। अब समझिए कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि अदालत अरोड़ा द्वारा दाखिल आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मेडिकल और हेल्थ आधार पर उनकी अंतरिम जमानत को 90 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने की मांग की गई थी। वहीं ऐसे में अरोड़ा के वकील ने ईडी की शिकायत करते हुए कहा कि ईडी के अधिकारी अरोड़ा का मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर्स को परेशान कर रहे हैं। इसके साथ ही ईडी द्वारा एक डॉक्टर से पूछे गए सवालों की फहरिस्त देखकर जज ने कहा कि ईडी ने इलाज करने वाले डॉक्टर से कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछे थे, जिनका अरोड़ा के मेडिकल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी के बारे में सवाल पूछना गलत है, क्योंकि उन्हें आरोपी के मेडिकल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं हो सकता। इसलिए ईडी से हाई लेवल के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड दिखाने की उम्मीद की जाती है। वहीं आपको बता दें कि अरोड़ा और सुपरटेक पर फ्लैट बुक कराने वालों से अग्रिम राशि लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। ईडी के मुताबिक सुपरटेक और समूह की कंपनियों ने फ्लैट खरीदारों की राशि के आधार पर बैंक से कर्ज लिए और राशि का गबन कर लिया। दूसरी कंपनियों के नाम से भी जमीन खरीदी गई और उनके आधार पर भी बैंकों से कर्ज लिया। जानकारी के लिए बता दें कि आरके अरोड़ा उसी कंपनी के मालिक हैं, जिसके नोएडा में बने ट्विन टावर को गिराने के आदेश दिए गए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।